सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली OnePlus ने अपना Note CE2 लॉन्च किया था, बट इसी सीरीज का आपको एक नया डिवाइस देखने को मिलेगा जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा OnePlus Note CE2 Elite, जो कि हमें काफी एक अच्छा और बजट कैटेगरी में एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक प्लान कर रहे हैं बजट कैटेगरी में एक 5G स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो ये जो बेसिकली स्मार्टफोन है, अगर बात करें स्मार्टफोन के डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड में एक पंच होल कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपको लेफ्ट में टॉप में देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले वाइज, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग पैनल देखने को मिल जाता है और इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जिसके कारण इसके जो कलर्स है वो इतने डिसेंट देखने को मिलेंगे, आपको इतने ब्राइट नहीं देखने को मिलेंगे, पर इसमें आपको 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाता है जो कि आपको स्मूथनेस लेवल में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज एक काफी एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है एक बजट कैटेगरी में OnePlus की तरफ से। वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से हमारा स्नैपड्रैगन 695, जो कि हमें एक 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। बात करें यहाँ पर रैम वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और एक 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप डीसल गेमिंग अगर आप इस स्मार्टफोन में करना चाहते हैं तो वो आप काफी अच्छे से कर सकते हैं। आप इसमें हाई सेटिंग्स में गेमिंग नहीं कर सकते, आप इसमें डिसेंट गेमिंग काफी अच्छे से मीडियम सेटिंग्स में आप कर सकते हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन चाहते हैं गेमिंग क्वालिटी के रिगार्डिंग, तब तो ये स्मार्टफोन आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता, बट अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन में काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं नॉर्मल मीडियम सेटिंग्स में। वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो मेन कैमरा वो है 64 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको वीडियो रेजोल्यूशन फुल HDR 30fps देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करें, तो वहाँ पर आपको 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और इसकी आपको वीडियो रेजोल्यूशन फुल HDR 30fps देखने को मिल जाती है। तो कैमरा वाइज अगर हम बात करें, तो आपको एक डिसेंट कैमरा देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का। यहाँ पर अगर आप एक फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन में काफी अच्छी कर सकते हैं। अगर लास्ट में अगर देखें इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 33W चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगी। सो ये देखो स्पेसिफिकेशन जो कि हमें OnePlus Note CE2 Elite की देखने को मिल जाती है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन है April 28 को ऑफिशियली OnePlus की तरफ से लॉन्च होने वाला है और ये जो स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आपको मई के मध्य में ये स्मार्टफोन ऑफिशियली आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन आपको 90,000 का देखने को मिल जाता है। तो क्या ये स्मार्टफोन 90,000 में एक वैल्यू फॉर मनी है या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर इस स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे अगर सैमसंग के किसी भी स्मार्टफोन से, तो आपको मेरे हिसाब से आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पर अगर देखें, तो वहाँ पर आपको हर एक स्मार्टफोन में कैमरा की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि वीडियो स्टेबिलाइजेशन में और इमेज स्टेबिलाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है। तो अगर आप एक स्मार्टफोन चाहते हैं बजट कैटेगरी में एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 5G में सिर्फ 5 बैंड सपोर्ट ही देखने को मिल जाती है, बट सैमसंग के हर एक स्मार्टफोन में आपको 12 बैंड सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एक 5G प्रूफ काफ़ी स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाते हैं सैमसंग की तरफ से। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर और बस जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।